हमने होमवर्क दिया था कल। उम्मीद करते हैं तैयार हो गया होगा। पांचवें लेशन के पांच क्वेश्चन। पांच मिनट है तुम लोगों के पास, सिर्फ पांच मिनट रिवाइज करो, और अगर कोई एक भी क्वेश्चन ना बता पाया चिंता ता चिता चिता ता, समझे? शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। अबे यार भूकंप आ रहा काबे? कहाँ? अबे सीट हिल रही यार। कहाँ? अबे सीट देखो यार, हमको ना देखो, सीट देखो हिल रही है। अरे भूकंप नहीं आ रहा, ये कांप रहे हैं। अबे कांप का है रहे हो यार इतना? कहीं कांप रहे हो बे? कहीं कांप रहे हो? क्या हो गया? काम नहीं कियो क्या? याद नहीं कियो? इंग्लिश की पोयम नहीं लिख के लायो का? आर्ट में सुगर बनाने दिया गया था, बनाया नहीं? बनाया क्या? क्या हुआ अभी? कहीं कांप रहे हो यार? क्या हुआ? अबे यार क्या हुआ? हुआ का? काहे रो रहे हो? अबे यार बताना नहीं है सीधे। नहीं बताएंगे, बताओ क्या हो गया? अबे यार पॉटी लगी बड़ी तेज। अरे जाओ यार, कहो खड़े हो जाओ। हाँ तो पॉटी लगी तो जाओ ना, यही करोगे क्या? अबे यार तुम कहीं थे यार? अबे हम कहे पागल हो गए, खाक पटक देगा हमको। अबे यार तुम कहीं थे यार? अरे यार पागल हो क्या? अबे पटक देगा तो कौन जिम्मेदार होगा, तुमको लगी है कि हमको लगी है? जिसको लगी है वो कहे जाके। अबे यार भाई प्लीज, अबे यार भाई प्लीज, प्लीज यार प्लीज, अबे यार तुम लोग मान नहीं रहे यार, बहुत हम खड़े तक नहीं हो पा रहे यार, बहुत तेल लगी है यार। ठीक है ठीक, हम कुछ नहीं समझते, हमको कुछ नहीं समझना, हम यही करेंगे, अब देख लेना, अब यही करेंगे, तुम लोग बहुत बनने वाला, हम यही करेंगे अब। क्या यार पागल बनती जा करो यार, बता रहे बिल्कुल बेवकूफ क्या यार? ओए क्या हो रहा है वाह, खड़े हो जाओ तीनों। लर्न हो गया ना? सुना, कॉपी तक नहीं खुली है तुम्हारी? सर इनके पॉटी लगी है। क्या? सर इनके पॉटी लगी है। तुमसे पूछा? तुम बताओ। सर इनके पॉटी लगी है, पॉटी। पॉटी लगी है? सब जानते हैं हम, पॉटी तो बस बहाना है, असली मकसद तो बच के जाना है। एक कंसर्ट सुना दो और जाओ, बताओ व्हाट इज कार्बन 14 डेटिंग? ये देखो ये हालत है, वाह बताओ, बोलो बोलो क्या हो गया? क्या हो गया? हो गया नहीं, हो गई। हमें नहीं लगता कि आप पढ़ा पाएंगे इसको। काहे नहीं पढ़ा पाएंगे भाई साहब? अरे हमने बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, चिंता ना करिए, इसको ही पढ़ाएंगे। आपने बच्चों को पढ़ाया है ना? ये जानवर है। ये सब तो भाई अब कहने की बात। क्या कहने की बातें होती हैं? ये जानवर है, आम बच्चे, सभ्य बच्चे, स्कूल से घर आते हैं, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। ये महाशय स्कूल से जब घर आएंगे, नाली में कहो जूता घुसेड़ के चले आए, बरसात का पानी अगर कहीं भरा मिल गया, मंझाते हुए आ रहे हैं, देख रहे हैं इसको, भोला भाला लगता है, लेकिन पिछले 6 टीचरों को भगा चुका है, आप 7वें हो, बता दिया, हिम्मत हो तो ही पढ़ाना, खतरों से खेलने से कम नहीं है इसको पढ़ाना।
लगता है भाई साहब आपने हमको लुल्ल समझ रखा है। क्या समझ रखा? लुल्ल है? लुल्ल पापा लुल्ल। अच्छा देखिए भाई साहब पीछे हमने पढ़ाया है। पीछे कहाँ? खेत में। खेत में नहीं बेटा, खेत के बगल में एक घर है समझे तुम बेटा, मिलना है हमको। अब वहाँ का लड़का भाई साहब हम आपको बताएं, वहाँ का लड़का भी बहुत छद्दर। हमको उसकी बात नहीं सुननी है, हमको अपने लड़के की बात सुननी है बस। आप ये बताइए पैसे कितने लेंगे? हम यहाँ इतनी सीरियस बात कर रहे हैं, आप हंसी छूट रही है आपकी। अरे अरे आप लोग अपने हैं तो कुछ भी। क्या अपने? कब अपने हो गए? रिश्ता विश्ता हमको नहीं चलाना है समझे। हाँ हाँ भाई साहब हाँ। कितने? 2000। देखिए बच्चा हमारा सही से पढ़ जाए 10 रुपया ज्यादा देंगे महीने में। एहसान होगा आपका तो। वैसे भाभी जी कुछ नहीं बोल रही हैं, गुंगी हैं क्या? काश। अरे पागल हो क्या बिल्कुल? मतलब कोई आदमी अगर गंभीर है सही है तो क्या मतलब गुंगा है? अब हम लोग की तरह लबड़ सबड़ नहीं करता तो मतलब गुंगा है? शर्मा रही हैं। भाभी जी शर्माइए नहीं। वैसे आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं ये बताइए, आप भाभी जी को छोड़िए। क्या भाई साहब क्या? आप हंसते बहुत हैं, सिर्फ हंसते ही हैं। हमको तो लग ही नहीं रहा कि आप पढ़ा पाएंगे, हंसते ही रहते हैं सिर्फ। क्वालिफिकेशंस क्या हैं आपकी? क्या क्वालिफिकेशंस अंकल, क्वालिफिकेशंस? अरे परमात्मा पढ़े कितना हो। अच्छा पढ़े पढ़े। फिर हंसने लगे, सीरियस बात पूछ रहे हैं, हंस रहे हैं। कितना पढ़े हो? अरे हम सब इंटर सब पास कर चुके हैं। क्या? हाँ बस। अरे नहीं नहीं वो 11th पढ़ा है, 10th पढ़ा है, 9th पढ़ा है, ये सब पढ़ा है, सब पास हैं। 11th पर अब इंटर है नहीं, उसके पहले के पास हैं। सर जी 8th नहीं पढ़ा क्या? हाँ उसमें एक बार लटक गए थे। मतलब आपने सिर्फ इंटर तक पढ़ा है? अरे भाई साहब आप फिर से हमको लुल्ल समझ रहे हैं। अरे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे IAS बने। क्या बोले? अरे कुछ नहीं, वो गला जवान वान कभी कभी फिसल जाता है। IAS? क्या? अरे कुछ नहीं, उसको जाने दीजिए जाने दीजिए, ऐसे ही कही रहे थे। अरे भाभी जी भाभी जी भाभी जी थोड़ा पानी मिलेगा? नहीं हम लाएंगे पानी। अरे बेटा ले आओ बेटा, उसमें क्या है। आप कहते हैं भाई साहब कि आपका लड़का शैतान है लेकिन है नहीं। देखिए कितना संस्कारी है, पानी लेके आया। नहीं नहीं है शैतान है। हमारे स्कूल के स्टाफ में है 40 टीचर। सर 41। हमारे स्कूल के स्टाफ में है 41 टीचर। हमने यहाँ बुलाया केवल 4 लोगों को, काहे बता सकता कोई? अब आप ही बुलाए हो तो आप ही जानो हम लोग का क्या पता। नहीं पता तो चुप्पे बैठो। अरे पगले होगा बिल्कुल, सामने प्रिंसिपल बैठा है चिल्ला रहा है, कोई फर्क ही नहीं है, हंस रहे और तुम हमारे सामने यार बोला ही ना करो, तुम्हारे मुंह से आती बदबू। हाँ बड़ी तेज। रुमाल लगा के बैठा करो, बता दिया? हाँ तो हम कह रहे थे हमने यहाँ तुम लोगों को क्यों बुलाया है? तो सुनो हमने यहाँ इसलिए बुलाया है। सर जी हाँ एक बात पूछनी है। बोलो। आपने हम लोग को यहाँ बुलाया काहे के लिए? बता रहे हैं काहे मारे जा रहे बैठो। बच्चों की लगातार शिकायतें आ रही हैं आप लोग के खिलाफ, इसलिए बुलाया है। अच्छा अच्छा नहीं, एक शिकायत ये है कि टीचर क्लास में आते हैं सोते हैं। अरे राम राम, यहाँ आपकी बात की जा रही मिश्रा जी। क्या बक रहे हैं सर? बक नहीं मेरा मतलब, क्या कह रहे हैं सर? नहीं नहीं बक है बक। अरे नहीं सर हम जगते तो हैं क्लास में। नहीं बिल्कुल जगते हैं, जगते तो हैं है। लेकिन जब घंटी बजती तब जगते हैं, घंटी बजेगी तो दूसरी क्लास में जाएंगे, वहां फिर सोएंगे है। अरे नहीं सर। क्या नहीं? यही सच है। सही कह रहे हैं, हमारा पीरियड जो है इनके पीरियड के बाद आता है तो कभी कभी हमको भी जगाना पड़ता है, सोए रहते हैं, कहते चलो भैया जाओ घंटी बज गई, जाओ अब दूसरे पीरियड में दूसरी क्लास में सो।
या तो तुम हंस लो या तो बोल लो। नहीं नहीं, एक बार तो ये जो है उंगाते उंगाते उठे और जीने से चढ़ने लगे थे, जीने पे गिर गए ध्यान से। सारी नींद निकल गई होगी फिर तो। हेयर्स कहाँ है? हेयर्स कहाँ है? हेयर्स ये आइस कहाँ है? ये टीथ कहाँ है? ये सब गलत बता रहे हैं। आप इंग्लिश के टीचर हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती? बॉडी पार्ट तक नहीं आते आपको? आता क्या है आपको? हसना। और तुम, पता चला है तुम केवल आगे वाली सीट के बच्चों को पढ़ाते हो? नहीं तो सर। अच्छा तो हम झूठ बोल रहे हैं? मतलब यार हमको ये नहीं समझ में आता है कि सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाने क्या मतलब। मतलब बच्चे शिकायत कर रहे हैं, पीछे वाले बच्चों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, हैं? अरे इनकी हाइट कम है ना, तो ये पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं पड़ते, आगे ही आगे पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। अरे यार कितनी हाइट छोटी, खड़े हो जरा देखें कितनी हाइट छोटी। खड़े है तो है। तुम खड़े हो? मतलब तुम तब से खड़े हो? हाँ, वो जब बैठते हैं तो खोपड़ी मेज में लड़ती है। देखो ऐसा है, तुम सीट पे खड़े होके, कुर्सी पे खड़े होके, टेबल पे खड़े होके पढ़ाओ, लेकिन सबको पढ़ाओ। सर कर चुके हैं ये काम, लेकिन सर बच्चे हंसने लगते हैं फिर। तो आप एक काम कीजिए, अपने पैरों के नीचे तो बांस बंधवा लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपकी हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी। क्या बेवकूफियत है, क्या बेवकूफियत बता रहे? नहीं ये क्या बेवकूफियत बता रहे? मतलब कोई आदमी अगर बांस बांधेगा तो खड़ा हो पाएगा? डिसबैलेंस होके खोपड़िया नहीं फुड़वा लेगा? अजीब बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं, बेवकूफ है क्या? कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं आप। नहीं तो बेवकूफ को बेवकूफ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सज्ञान? नहीं नहीं कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं नहीं क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। करके दिखाइए, मैदान में आइए, यहीं बताइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं तो मैदान में दोनों को भेज देंगे कुश्ती लड़ लेना वहाँ पे जाके, फिर एक दूसरे खोपड़ी फोड़ के आना हमारे पास। नहीं तो आप इनको समझाइए ना। इनको क्या समझा दे हम, मेन लड़ाका तो तुम हो। आपको इसीलिए बुलाया गया था, कल किसी के गार्जियन आए थे, सही सलामत आए थे, लंगड़ाते हुए गए हैं, हमें पता चला मारपीट हुई आप दोनों में, मतलब हद हो गई, ये हालत चल रही है हमारे स्कूल की। तुम चारों मक्कारों को नौकरी से निकाला जाएगा बताए दे रहे हैं, हरकतों में अगर सुधार नहीं हुआ तो नौकरी से निकाले जाओगे, फिर भीख मांगना सड़क पे। ए रबड़ है, रबड़ है, यहाँ किसी के पास रबड़ है? रबड़ का क्या करना है तुमको? बिगाड़ना है। क्या बिगाड़ना है? हमें जिंदगी पहले बिगाड़ चुके हो तुम, अब क्या बिगाड़ना है? अरे गलती दिख रहा है वही सोच रहे हैं बिगाड़ लें। चलो कोई बात नहीं, थूक से बिगाड़ लेते। क्या थूक? हाँ थूक से। पागल हो क्या बिल्कुल, थूक से बिगाड़ जाता है? छी। तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, पागल है बिल्कुल। तो हमने तो आपके रजिस्टर में भी थूक से बिगाड़ा है। कहाँ कब? आपके रजिस्टर में लिखा था प्रिंसिपल का नाम लिखो, हमने धोखे में अपना नाम लिख दिया, फिर थूक से मिटारा, फिर आपका लिखा। थूक से बिगाड़ने में दिक्कत क्या है? इतना गिलप्पन मेरे नाम के नीचे मेरे रजिस्टर में, हमेशा से बिगाड़ते आ रहे हो तुम। इतनी दिक्कत की क्या बात, चुप रहो तुम। आप इतना परेशान काहे हो रहे हैं, पूरी दुनिया बिगाड़ती थूक से, पूरी दुनिया थूक से बिगाड़ती है और क्या। लगता है सर जी को थूक से एलर्जी है। चलो अगली बार नहीं बिगाड़ेंगे सर जी, अगली बार नहीं बिगाड़ेंगे सर जी। सर जी आंखें तो खुली हैं सर जी।